ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स इन सीरीज, अगर आपके दो इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, और इसके अंदर मैंने करंट पास किया, देख रहे हो आई करंट दोनों में एग्जैक्टली सेम है, और ये चेंजिंग करंट है, कॉन्स्टेंट करंट तो है ही नहीं है, तो आई चेंजिंग करंट है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करंट है, सीरीज में इंड्यूस ई एम एफ की वैल्यू ई वन ई टू और टोटल इंड्यूस ई एम एफ ई है, तो ई की वैल्यू ई वन प्लस ई टू है, फर्स्ट कॉइल में इंड्यूस ई एम एफ क्या है, माइनस एल वन डी आई बाई डी टी, सेकेंड में माइनस एल टू डी आई बाई डी टी, और नए में माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो ये आपके पास इंड्यूस ई एम एफ की वैल्यू है। माइनस 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 कैंसल, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट तीनों कॉइल में सेम रहेगा बिकॉज टी थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ से ये फॉर्मूला रजिस्टर में एंट्री कर लें, तो एल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है एल वन प्लस एल टू सीरीज के अंदर। लेकिन अगर कोई कहे कि सर इसमें म्यूचुअल इंडक्शन भी तो यूज हो रही होगी, वो आपने कंसिडर ही नहीं की, मैग्नेटिक फील्ड देखो ना, इसका भी इधर, बिकॉज करंट सेम डायरेक्शन में है, इसमें करंट राइट है, इसमें भी करंट राइट है, तो बी सेम डायरेक्शन में है, तो म्यूचुअल इंडक्शन भी होगी, तो अगर आप म्यूचुअल इंडक्शन को भी कंसिडर करते हैं तो आपका फॉर्मूला मॉडिफाई करके ये आता है। ये सिलेबस में नहीं है पर आप नोट करना है, नोट कर लें कि म्यूचुअल इंडक्शन के साथ इंडक्टर सीरीज में ये फॉर्मूला है, और वो भी तब जब करंट दोनों कॉइल्स में आर इन सेम डायरेक्शन, ये देखो आई एंड आई आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन अगर ऐसी सीरीज में कनेक्शन है, कैसे, इसमें करंट राइट है तो इसमें करंट लेफ्ट है, इसमें राइट है और इसमें लेफ्ट है, राइट, तो राइट लेफ्ट में क्या हुआ, तो इसमें इंडक्टर सीरीज में फॉर्मूला तो एग्जैक्टली सेम है, पर क्योंकि करंट ऑपोजिट है तो कैपिटल एम के टर्म में यहां पर प्लस टू एम की जगह माइनस टू एम नोट कर लेना। वैसे एम के साथ एल वन एल टू का कॉम्बिनेशन आता नहीं है, पर अगर फॉर्मूला मार्क करने को आ जाए कम से कम आपको पता वो क्या करना है। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, तो यहां पर यह वैल्यू आ जाएगी इंडक्टर्स इन सीरीज। ऐसी अगर इंडक्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है एल वन एल टू, तो पैरेलल में जो करंट आएगा वो ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा, चेंजिंग करंट है, ऊपर नीचे चेंज होता हुआ डिवाइड हो जाएगा, तो आई आई वन प्लस आई टू है। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूं डी बाई डी टी डी बाई डी टी डी बाई डी टी, तो मेरे पास इंड्यूस डी एम एफ का फॉर्मूला क्या था, माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी का फॉर्मूला क्या बना, माइनस ई बाई एल, तो यहाँ पर पुट कर दें माइनस ई बाई एल वन, यहाँ पर पुट कर दें माइनस ई बाई एल टू, और यहाँ पर पुट कर दें माइनस ई बाई एल इक्वलेंट, ये सब कैंसिल हो जाएगा, पैरेलल में ई सेम है, तो आपके पास ये फॉर्मूला नोट कर लें बिना म्यूचुअल इंडक्शन के। अगर म्यूचुअल इंडक्शन यूज करनी हो तो ये फॉर्मूला साथ लिख लें, लेकिन इसकी कभी एप्लीकेशन आज तक जरूरत नहीं पड़ी, तो इसको नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, यहां तक कर लें सफिशियंट।